हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच पर्थ में होने जा रहा है। कल सुबह 7:30 बजे लाइव होगा। तो यहाँ पर टीम इंडिया ने जो है 13 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बदलाव देखने में आ सकते हैं। तो दो बदलाव जो खास कर हैं कि सबसे पहले जो है आर अश्विन और रोहित शर्मा को जो है ड्रॉप किया गया है, शायद इंजरी है या फिर कोई और कारण होगा। तो 13 सदस्य टीम के अंदर दोनों शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कल के मुकाबले के अंदर आई थिंक जो प्लेन 11 होगी उसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग के अंदर मुरली जो ड्रॉप होंगे तो केएल राहुल के साथ पृथ्वी शाह ओपनिंग कर सकते हैं, या फिर पार्थिव पटेल को मौका दिया जा सकता है। अगर पृथ्वी शाह फिट होते हैं तो उन्हें डेफिनेटली मौका मिलेगा। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा फिट है और जगह पक्की है। नंबर 4 विराट कोहली, नंबर 5 अजिंक्य रहाणे और नंबर 6 पर देखा है रोहित शर्मा को एक और मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर हनुमा विहारी भी को खिलाया जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक रोहित शर्मा को एक और मौका देना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 पर पंत खेलेंगे। नंबर 8 पर यहाँ पर जो है रविंद्र जडेजा की वापसी हो सकती है। और यहाँ पर जो पिच जो है वहाँ पर जो है बाउंस होगा और थोड़ी सी दरारें तो स्पिनर्स को यहाँ पर काफ़ी मदद मिल सकती है। पहले टेस्ट मैच में देखा कि नॉथन लियान और रविचंद्र अश्विन दोनों को जो सफलताएं मिलती हैं। लियान काफ़ी इफेक्टिव हुए थे, 6 विकेट्स लिए थे। तो यहाँ पर जो है रविंद्र जडेजा को मौका दिया जा सकता है, या फिर टीम इंडिया 4 ओवर तेज गेंदबाज खिला सकती है, लेकिन रविंद्र जडेजा को खिलाना जो है बेहतर होगा। और इसी के साथ जो 3 फास्ट बॉलर बुमराह, ईशांत शर्मा और शमी, ये तो फिक्स है। यहाँ पर अगर कप्तान विराट कोहली कि हम इसे चेंजेस करते हैं कि हर टेस्ट मैच के बाद कोई ना कोई चेंजेस होता है, तो यहाँ पर भुवी या फिर उमेश यादव में किसी को भी जो खेला जा सकता है मोहम्मद शमी की जगह। बाकी ईशांत शर्मा तो 100% खेलेंगे, बुमराह भी खेलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि पहले टेस्ट मैच के अंदर जो है 31 रनों से मैच जीता था इंडिया, तो टीम जो है दोनों टीमें बराबर की नज़र आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे। मिशेल मार्श बाहर बैठे, लेकिन उनको किस जगह पर खिलाना है थोड़ी सी जो है टीम मैनेजमेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया का पड़ा थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने अभी तक रन नहीं बनाए। अगर विराट कोहली चलते हैं, चेतेश्वर पुजारा जी इनफॉर्म है और अजिंक्य रहाणे भी इनफॉर्म है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो सकता है। 5-6 गेंदबाज की कमी इंडिया को खल सकती है। तो हनुमा विहारी या फिर जो रोहित शर्मा थोड़ी सी गेंदबाजी करा लेते तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो देखेंगे कल का मैच किस तरह होता है। 7:30 AM को मैच शुरू होने जा रहा है, सेकंड टेस्ट मैच पर्थ के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो इंडिया का पड़ा भारी, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें।